हे दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मनोज पाटीदार। कहानियों की सीरीज में एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया होती है। चिड़िया का स्वभाव होता है नॉर्मली, छोटी चिड़िया जो पहाड़ में, उनका जो एरिया होता है, छोटा एरिया होता है, नॉर्मली एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक फूल से दूसरे फूल, एक फल से दूसरे फल, इस तरीके से हंसना, खेलना, चहचहाना, कलरफुल उनके पंख होते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है वो चिड़िया। नॉर्मली इधर से उधर अपने जंगल में, जहाँ पर भी अपना उसका घर होता है, उस जंगल, जिस जंगल में उसका घर होता है, उस जंगल में नॉर्मली इस तरीके से हंसते खेलते रहती है। इतने में वहाँ से वो एक किसान को आता हुआ देखती है। वो किसान का किसान की गति जैसे ही वो किसान आता है, वो ठिठक जाती है और अपने एक पेड़ की डाली पर बैठ के उसकी गतिविधियों का क्या करने लग जाती है, निरीक्षण करने लग जाती है कि ये किसान, ये जो व्यक्ति आया है, जो इंसान अपना इस जंगल में आया है, ये क्या कर रहा है। वो देखती है वो किसान आता है, जो फलों, जो जिस फलों पर, जिन पेड़ों पर पके हुए फल लगते हैं, उन फलों को तोड़ता है और उन फलों को लेकर टोकरी में भरकर वहां से निकल जाता है। एक दिन होता है वो फल लेकर निकल जाता है, दूसरे दिन वो किसान वापस लौट कर आता है। जो चिड़िया होती है, मन में जिज्ञासा होती है, तो वो जिज्ञासा बस किसान के सामने जाती है और किसान से पूछती है कि भैया, आप ये जो फल आप ले जा रहे हैं, इन फलों का क्या करोगे? यहाँ से कल भी आप फल ले गए थे, आज फिर फल लेने आए, इन फलों का आप क्या करेंगे? किसान चिड़िया के सवाल का उत्तर देता है कि मैं इन फलों को ले जाऊंगा यहाँ से और बाजार में इनको बेचूंगा, और बाजार में बेचकर मैं उससे एक पंख खरीदूंगा। चिड़िया को लगा, या अच्छा, आप यहाँ से ले जाकर पंख किस तरह का? बोले, जिस तरह का मैं पंख, जिन पंखों से मैं उड़ रही हूँ, इस तरह का पंख? किसान ने हाँ में सर हिलाया, बिल्कुल, मैं इसी तरीके का पंख खरीदूंगा जिस तरीके के पंखों से आप उड़ रही हैं या दूसरी जो चिड़िया है वो उड़ रही हैं। चिड़िया अब उससे चिड़िया के मन में विचार आता है कि अरे यार, मैं इधर उधर फुदकती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, तब जाके मुझे खाना मिलता, जब जाके मैं फल खाती हूँ, तो क्यों ना इस किसान की भी दुविधा मिटा दूँ और मेरी भी समस्या मिट जाएगी, कि मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मैं किसान जो यहाँ से फल लेकर कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, वहाँ बेच रहा है, और तब जाके वहाँ से क्या खरीद रहा है, ये वहाँ से जाके पंख खरीद रहा है। तो मैं इससे अच्छा एक काम करती हूँ कि इसको ही अपना एक पंख दे देती हूँ और उससे मैं क्या ले लेती हूँ, खाना ले लेती हूँ। खाना मतलब उसके लिए फल, फल ले लेती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फल के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आराम से मुझे जिस पेड़ पे मैं बैठती हूँ, बैठे बैठे खाना खाऊंगी और मैं इसे यहाँ से क्या दे दूंगी, इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। इस तरीके से ये विचार करके वो ये विचार उसके सामने प्रस्तुत करती है, उसके सामने रखती है किसान के सामने कि किसान भैया, मैं अगर आपको डायरेक्ट पंख दे दूँ तो आपको बाजार जाने की आपकी क्या हो जाएगी, बाजार जाने की मेहनत मिट जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। किसान ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर एक पंख देना चाहती है तो एक पंख दीजिए, मैं यहीं के यहीं आपको क्या दे देता हूँ, बटोर के, और आपको फल दे देता हूँ। दोनों में डील हो जाती है। अपना किसान ने उसको फल दिए, उसने अपना पंख दे दिया। अब किसान इसी तरीके से डेली आता है, फल फल बटोरता है और उस चिड़िया को दे देता है। चिड़िया जो है अपना एक पर निकाल के किसको दे देती है, किसान को दे देती है। शुरुआती एक दो चार दिन में तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चिड़िया उस अपने पर निकाल निकाल के किसान को देने लगती है, वैसे वैसे उसकी हालत क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो इस बात को, दशा को समझती नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके लिए तो बड़ा आराम लगता है, उसको लगता है ठीक है, मुझे पर की अब जरूरत क्या है, पंखों की अब जरूरत क्या है, मुझे फल, घर घर बैठे फल मिलते हैं, मैं फल खाती हूँ और आराम से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की नहीं, दूसरे पेड़ पर जाने की जरूरत नहीं, दूसरी डाली पर जाने की जरूरत नहीं, दूसरे फल फूल पर जाने की जरूरत, मैं आराम से बैठ के यहीं पर खाना खाती हूँ, इसलिए मुझे रोज पर देने में कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्थिति की गंभीरता को समझती नहीं है और इस तरीके से डेली एक एक पर अपना निकाल के किसको देती जाती है, उस किसान को देती जाती है। किसान उसे रोज फल ला ला के देते रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि किसान चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पर नहीं होता है। चिड़िया बिना पर के हो, उसके सारे पर वो किसको दे चुकी होती, किसान को दे चुकी होती किसान, और उसकी दशा मुझे बताने की जरूरत नहीं कि चिड़िया अगर बिना पर के, कोई पक्षी अगर बिना पर के रहेगा तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी। अब वो चिड़िया उड़ने में सक्षम नहीं थी, उसकी जो दशा थी वो अत्यंत ही दयनीय थी, और एक दिन दो दिन के बाद वो, कुछ समय के पश्चात वो क्या कर देती है, अपने प्राण त्याग देती है। किसान भी इस बात से बड़ा दुखी होता है कि उसके कारण उस पक्षी की जान चली गई, परंतु किसान के हाथ में भी अब कुछ भी नहीं बचता है। अब ये हमारी जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, थोड़ी सी कहानी सेड है, लेकिन मैं आप लोगों को इससे कुछ संदेश बड़ा देना चाहता हूँ, इस कारण से मैंने थोड़ी सी आज कहानी सेड कहानी चूज़ करी है। आप उसके कहानी के एंड पे मत जाइए, सेड एंड पे मत जाइएगा, आप उससे जो सीखने को मिलने वाली चीज़ है उसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमको चिड़िया के बारे में सेड लग रहा है, लेकिन वो चिड़िया की तरह हमारी भी कंडीशन यही है।
जो हमारे जीवन का स्ट्रगल है। देखिए चिड़िया क्या करती है, खाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक फूल से दूसरे फूल, एक फल से दूसरे फल, इस तरीके से वो जा जाके अपनी चोंच से खुद ही क्या करती थी, अपना खाना बटोरती थी। तब तक ही वो उसका संघर्ष था, वो उसके जीवन के चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करती थी, उन चैलेंजेस के साथ जीवन जीती थी, तो उसके जीवन की रंगीनियाँ, उन जीवन उसके जीवन के जो हसीन पल थे, उसके जीवन की जो खुशियाँ थी, उसके जीवन के जो उमंग थी, उसके जीवन का जो उत्सव था, वो उत्सव बना हुआ था। परंतु जैसे ही उसने क्या करा, चुनाव इस बात का करा कि स्वयं जा जा के चुनने की बजाय मैं एक पर दूंगी और उसके बदले में खाना ले लूंगी, मतलब उसने अपने संघर्ष को, जो संघर्ष वो कर रही थी, उस संघर्ष को, उस संघर्ष को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। और जैसे ही उसने संघर्ष को त्यागा, वैसे ही उसकी परिस्थिति क्या होने लग गई, डवाडोल होने लग गई, और एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसको अपना क्या करना पड़ा, जीवन को त्यागना पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर कोई संघर्ष आता है, हमारे जीवन में भी अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, तो वो चैलेंजेस हमको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आते हैं, हमारे जीवन की उमंग बनाए रखने के लिए आते हैं, हमारे जीवन के उत्सव को, हमारे जीवन के जो हमारे रंग मन में जो उमंग है, उस उमंग को बनाए रखने के लिए आते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं, 14 तारीख तक का तो एक नॉर्मल डिक्लेरेशन मोदी गवर्नमेंट ने कर रखा है, और हम लोग ऐसे भी प्रशासन ने बहुत सख्ती के साथ हम लोगों को घर में बंद करके रखा है। अब अभी ये 10 से 12 दिन हुए हैं, 8-10 दिनों में आप समझ गए हैं, 7-8 दिनों में आप समझ गए हैं कि हमारी दशा कैसी हो रही है। हम जो जिनको नॉर्मली चैलेंजेस बोलते थे, वो चैलेंजेस ही हमारा जीवन है, वो चुनौतियाँ ही हमारा जीवन है। तो उन चुनौतियों को जीए, उन चुनौतियों के साथ जिए, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, और उमंग के साथ, उत्सव के साथ, उनको उत्सव की तरह लें, उन्हें एक फेस्टिवल के लिए, त्यौहार की तरह लें, और उनको उसी के साथ उन चैलेंजेस को जिए, यही जीवन है। अभी भी जो हमारा घर का गार्डन होता है, उस घर के गार्डन में कभी भी ऊंचे विशाल वृक्ष कभी पैदा नहीं होते, कभी बड़े नहीं हो सकते। अगर विशाल वृक्ष देखना, ऊंचे विशाल वृक्ष देखना है, बड़े वृक्ष देखना है, जिससे ऐसे वृक्ष जो सब लोगों को फल देते हैं, ऐसे वृक्ष जो घर बनाने के लिए हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऐसे जलाऊ लकड़ी देते हैं, अगर ऐसे वृक्षों को देखना है तो हमारे हमको कहाँ मिलेंगे, हमेशा जंगल में। जंगल में क्या मिलती है उन्हें, जंगल में कोई उनको पालता पोसता नहीं, उनको कोई माली नहीं होता है, गार्डनर नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता जो उसे रोज पानी देता है, या उसे धूप छाँव से या बचाता हो, या जंगली जानवरों से या किसी से भी बचाता हो। जो पेड़ जंगल में बड़ा होता है वो बिल्कुल निर्बाध्य, इस तरह की जो सारी चीज़ें, इन सब जो प्रकृति है, प्रकृति की गोद में बड़ा होता है, और इस तरह की समस्त चुनौतियाँ, किसी जानवर के खाने की चुनौती, कड़ी धूप की चुनौती, और घनघोर बारिश की चुनौती, तेज हवाओं की चुनौती, इन समस्त चुनौतियों के झेलने के बाद वो वहाँ पर क्या होता है, जंगल में खड़ा रहता है और इतने अपनी विशालता को धारण करता है। और वहीं हमारे गार्डन में जो एक पेड़ खड़ा होता है, वो पेड़ कभी भी इतना, हमारे इतनी केयर करने के बावजूद भी इतना विशाल नहीं हो पाता है। बस अंतर इतना सा है कि एक भरपूर चुनौतियों का सामना करता है, और एक उसे कभी भी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। चुनाव आपका है दोस्तों, कि जीवन का त्यौहार उत्सव बनाए रखना है या उस उत्सव को समाप्त कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।